खरगोन में आज से निमाड़ अंचल के सबसे बड़े और प्रसिद्ध 3 दिवसीय गणगौर पर्व की शुरुआत हो गई है। आज सुबह माता की बाड़ियों के खुलते ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने ज्वार रूपी गणगौर माता की पूजा अर्चना की। अब 3 दिन तक खरगोन सहित निमाड़ अंचल और राजस्थान में गणगौर उत्सव की धूम रहेगी। श्रद्धालु गणगौर रथों में ज्वार घर ले जाकर आस्था और श्रद्धा के साथ गौरी माँ की आराधना और उपासना करेंगे। चैत्र नवरात्रि की तीज पर माता की बाड़ियों के खुलते आस्था श्रद्धा और भक्ति के महापर्व गणगौर की शुरुआत हो जाती है। अपने सबसे बड़े पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में अलग ही आस्था भक्ति देखी जाती है। गणगौर पर्व को शिव पार्वती ईश्वर राजा रणुबाई के विवाह के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ये गणगौर का निमाड़ का सबसे बड़ा त्यौहार है, किस प्रकार की आस्था रहती है, आप पूजन करने पहुंचे क्या कहना चाहेंगे? बहुत आस्था रहती है, जिस तरह से हम लोग मायका जाने के लिए उत्साहित रहते हैं उसी तरह से माता जी भी हमारे अपने मायके में आती है और उसी तरह सब लोग खुशियां मनाते हैं। बहुत अच्छे से गणगौर माता का पर्व मनता है। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार नया साल भी रहता है, चैत्र का महीना रहता है। माता को बहुत उत्साह से अपने मायके में लाते, उनका भोग लगाते, उनको अच्छे से पूछते हैं। यही मनोकामना करते हैं हम। मनोकामनाएं तो बहुत सी रहती है, पर फिलहाल तो यही रहता है कि माता अपने घर आए, सबको सुख संपत्ति का अच्छे से आशीर्वाद दे के जाए, अखंड सौभाग्य का, लंबी आयु और सभी चीज़ अखंड सौभाग्य रहे, सदा स्वागत, बच्चे वगैरह सब अच्छे रहे। हाँ, जो माता ले जाते हैं उन लोगों के यहाँ पहरावनी वगैरह होती है, कपड़े लाते हैं, माता का भोग बनता है, जोड़े जीमते हैं, सभी तरह से मतलब। लड़कियाँ क्या प्रार्थना करती हैं माता जी? अपने वर के लिए प्रार्थना करती हैं, अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा वर मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता जायसवाल। किस प्रकार की परंपरा और आस्था रहती है, जैसे आज माता की बाड़ी खुली है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही, क्या कहना चाहेंगे? गणगौर पर्व निमाड़ का महापर्व है और सारे निमाड़ और राजस्थान और मालवा प्रांतों में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये माता गौरी में विशेष आस्था होती है। चैत्र माह की तृतीया के दिन ये माता की बाड़ी खुलती है और फिर ये घर घर स्थापना होती है माता की। इसके पश्चात अगले दिन माता की पूजा अर्चना और नृत्य गरबा और माता के गीत गाए जाते हैं और अगले दिन जो है इसका विसर्जन होता है। अगर कोई परिवार उसको मन्नत अगर होती है तो उसको रथ को बोलाते भी हैं और वापस अपने घर पे लाके और समाज में अपने समुदाय में उसका भंडारा होता है, उसकी सामूहिक पंक्ति होती है और भोजन होता है और फिर अगले दिन उसका विसर्जन होता है। कितनी आस्था भक्ति श्रद्धा रहती है? ये इसका अनुमान हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि सारी बसें आज तारीख में सब खाली मिलेगी आपको और मार्केट में भी लगभग आपको सुनसान मिलेगा। सारे लोग अपने आस्था के केंद्र माता की बाड़ी में और अपने घरों में और अपने परिवारों के बीच में रहते हैं। मैं कन्हैया कोठाने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।